शिवम शिवम। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 12 फरवरी को सूर्य जो है ग्रहों के राजा जो हैं वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो भाई जो जितनी राशियां हैं उस पर इसका असर क्या होगा। मकर से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना गया है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं और यही कारण है कि सूर्य को ऊर्जा का कारक माना जाता है। सूर्य किसी भी राशि में गोचर करे, किसी भी राशि में, लगभग एक माह तक उसी राशि में रहते हैं। तो भाई कुछ राशियों के तो भाग्य खुल जाएंगे, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, 100% आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। भाई मेष राशि वाले, एक बात आपको बता दें कि भाई सूर्य के कुंभ राशि में गोचर होने से मेष राशि के लोगों को जबरदस्त फायदा होगा, आपके भाग्य खुल सकते हैं। मेष राशि के लोगों को जीवन के हर कार्य में तरक्की मिलेगी, आपके सपने साकार होंगे, कैरियर में भी सफलता मिलेगी और प्रेम भी बेहतर चलता रहेगा। आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लाभ के कई मार्ग खुलेंगे और शासन और प्रशासन दोनों का सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वाले, मैं बता दूं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कार्य क्षेत्र में असीमित अधिकार मिलेंगे आपको। आपको मान सम्मान के साथ कार्य क्षेत्र में लोगों पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अब मिथुन राशि, ज्योतिष के मुताबिक सूर्य के गोचर होने से मिथुन राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इनके जीवन के दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं, जीवन में अच्छे दिनों की दस्तक हो सकती है और परिवार के लोगों में अच्छा तालमेल बना रहेगा और बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। मान सम्मान तो बढ़ेगा ही और धन धान्य का भी लाभ होगा। कार्यों में सफलता के चलते आपके आत्मविश्वास में कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर इस राशि के जातकों को अपने पिता के सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है, इसका जो असर है वो आपकी छवि पर जरूर पड़ेगा, तो सतर्क रहिएगा। सिंह राशि भाई, मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। सिंह राशि वाले, आप जैसे पहले थे उससे ज्यादा चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से आपको निजात मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले 12 फरवरी को सूर्य गोचर करेंगे, जैसे कन्या राशि के लोगों के भाग्य खुल जाएंगे। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, नौकरी पेशा में भी सफलता मिल सकती है, जीवन की परेशानियां दूर हो सकती है और इन्हें मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होंगे, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब तुला राशि, तुला राशि को शासन पक्ष से लाभ मिल सकता है पर प्रेम के मामले में थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वाणी पे संयम रखें, छोटी सी बात आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। अब वृषक राशि, वृषक राशि आप लोग को अहंकार जो है ना वो वाली भावना ऑटोमेटिक आएगी। अब चूंकि आपको पहले से पता है कि हम आपको बता रहे हैं, तो अहंकार को हमेशा दबाने की कोशिश कीजिएगा। कार्य क्षेत्र के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, बाकी जगह आप सब जगह मन लगाकर काम करोगे तो रिजल्ट जो है उसका अच्छा आएगा। फिर धनु राशि, धनु राशि वाले आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और भाग्य की कृपा से आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आपको इस समय लाभ मिलेगा और समाज में मान सम्मान मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले आपको अकस्मात धन मिलने का योग बन रहा है। अचानक आपको मतलब लगे भाई ये तो अचानक बस बैठे बिठाए पैसा आ गया,
किसी प्रकार का मुआवजा मिल सकता है, धन की उपलब्धता जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। कुंभ राशि के जातक इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब मीन राशि, मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन नौकरी के लिए किए गए सभी प्रयासों से या सभी प्रयासों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी 100%। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।